देखते हैं 29, ए बी सी ट्रेंगल डी एफ के सिमिलर है ट्रेंगल, फिर डीई ई एफ और डी डी एफ और बी सी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा। चलिए थोड़ा देख लीजिए, ट्रेंगल बना लेते पहले। यहाँ पर ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल है डी ई एफ। यहाँ देखिए डी ई 3 सेंटीमीटर, ई एफ 2 सेंटीमीटर, डी एफ 2.5 सेंटीमीटर और बी सी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो जब ट्रेंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना जी। तो ए बी बाई में डी ई इक्वल टू में बी सी बाई में, बी सी बाई में ई एफ इक्वल टू में यहाँ पर ए सी बाई में डी एफ हो जाएगा। चलिए ए बी बाई में ये 3 सेंटीमीटर, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर और ई एफ आपका 2 सेंटीमीटर, ए सी हमें नहीं पता है और ये है आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये 2 टाइम्स वो कर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए बी इक्वल टू में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए देखिए ये आपका आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर तीनों साइड का सम 15 आ जाएगा ऐड करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।